जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव में प्रदेश के पहले क्रोकोडाइल पार्क में पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। यहां मगरमच्छों को बेहद नजदीक से देखकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। क्रोकोडाइल पार्क में छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य से पर्यटक पहुंच रहे हैं। क्रोकोडाइल पार्क के केयर टेकर सीताराम महाराज के द्वारा मगरमच्छों को नाम से बुलाया जाता है, जिसके बाद मगरमच्छ तालाब के भीतर से बाहर निकल आ जाते हैं। इस दौरान पर्यटक हैरत में पड़ जाते हैं कि किसी व्यक्ति के बुलाने से मगरमच्छ आ जाते हैं। कोटमी सोनार गांव के क्रोकोडाइल पार्क में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और मगरमच्छों को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। कोटमी सोनार गांव के क्रोकोडाइल पार्क में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और मगरमच्छों को देख कर रोमांचित हो जा रहे हैं। आपको बता दें, 2005 से क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया था, जहां 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। 2005 के पहले मगरमच्छ कोटमी सोनार गांव के अलग अलग तालाब में फैले थे, जिन्हें पकड़ कर क्रोकोडाइल पार्क में शिफ्ट किया गया है। आओ, 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 आ जाए। आओ, आओ। बढ़िया लगा थे आए तब, बहुत दिन के मतलब शौक रही थे यहाँ आके कोटवी सुनार के, तब आए तो मस्त अच्छा लगा था घूमे घामे आए ऐसे। पहली बार तो वहाँ आए घूमे ला ऐसे, तो बहुत मतलब संगीत साथी मतलब देखा था यहाँ संगीत है, फोन लगा रखा कि पर नहीं उठाई से। अपन पापा है, जीजा है, दीदी है, कमर संग आए हैं घूमे ला, तो बढ़िया लगा था मगर मस्त देख के। हाँ बस थे मन आए हिर्री मस्तूरी हिर्री ले वहीं लाए घूमे ला, तो हम इच्छा लगी से आज घूमे घामे के, तब मौसम भी ठीक है अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। यहाँ पे आता हूँ परसदा में, ग्राम परसदा में, आज से लगभग 5 साल हो गए हैं और मैं मूर्ति बनाने के काम करता हूँ और वहाँ पे आता हूँ। तो मेरी इच्छा 5 सालों से था कि एक बार मैं यहाँ कर दर्शन करूँ करके, बाकी सौभाग्य मुझे अब इसी साल हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो सपना था यहाँ आने का वो बहुत पूरा अच्छा लगा, पूरा हुआ और मुझे इतना आनंद आ रहा है। अभी तो यहाँ पे पास में आ पाया हूँ, अभी आनंद लेना बाकी है मेरा। तो अब महाराज जी के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि महाराज जी को मैं अभी देखकर ही मैं समझ गया कि ये क्या है। और अभी मगरमच्छ से बातें कर रहे थे तो इनका और जो मगरमच्छ जी हैं उनका प्रेम देख के मुझे बहुत आनंद लग रहा है। और इनके बारे में मैं क्या बोलूं कि ये एक ऐसे जीव है, ऐसा कहा जाए कि आदमी जिसे समझ नहीं पाता है, और इंसान को समझाने के लिए एक जीव काफ़ी है इंसान का प्रेम पाने के लिए। कि ये देखो बाबा जी के बुलाने में मतलब ये आ गया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिसे आदमी देखने से डरता है वो बाबा जी के बुलाने से मतलब पास में आ गया। सब आते हैं मगरमच्छ देखने के लिए, रायपुर, बिलासपुर, पाटापारा, अकलतरा क्षेत्र से, सब दिल्ली क्षेत्र से आते हैं। तो बुलाते हैं महाराज जी तो आ जाते हैं, मंगरे बुलाता है आओ आओ बोलते हैं, आते हैं परमेश्वर के लिए, खुशी रहते हैं दर्शकों तो देखते हैं, तो सब कुछ कुछ महाराज को भी दान करते हैं और करते भी रहते हैं। इतना खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं महाराज जी के लिए, बहुत खुश होते हैं, दान भी मिलते हैं उसको और बुलाते हैं तो हमेशा आते हैं। बाबू है रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, बहुत बहुत दूर के आते हैं, देखते हैं, खुश हो जाते हैं। जनता यहाँ बैठती है, भीड़ हो जाती है, बाबू बड़ा बढ़िया यहाँ पब्लिक आते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं, खुश हो के जाते हैं। और दिन जज साहब आए रहे, बुलाया, बड़ा खुश हुए, उनके बच्चे भी है वो हुए बिलासपुर के आए, बड़ा खुश हुए। इधर का आए साहब एक जन तहसीलदार के साहब परसों, बड़ा खुश हुई है, वह खुश हो के गए, कहना बारे महाराज तुम्हारे बुलाने से मगर आते हैं, हम आज पहली बार देखा बाबू। हाँ बाहर सब खुश होते हैं बाबू, खुश होते हैं बहुत जोरदार बाबू। हाँ काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी भीड़ रहता है बाबू। हाँ काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ, कम से कम नहीं तो इतवार को तो हजारों पार आ जाते हैं, बाकी दिन कम आते हैं, 200-300 आते हैं। हफ्ता में भीड़ यहाँ लगे रहती है महाराज, देखते हैं जनता खुश हो के जाती है अपने घर बाबू।